हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कि फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब। फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, जो सेव करना चाहते हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जो जिन लोगों को अपना पैसा सेव करना है और जिन लोगों को दूसरे से पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करना है, उसके बीच का लिंक कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम। इट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ द फंड्स फ्रॉम द सरप्लस एरिया, जहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वहाँ से पैसा उठाना, और जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। इट इज़ कंसर्न अबाउट द मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस। मनी, क्रेडिट और फाइनेंस, इन तीन चीज़ों से रिलेटेड है क्या चीज़? फाइनेंशियल सिस्टम। थ्री पार्ट्स हैं, तो तीनों क्लोजली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर हैं। देखते हैं अब क्या है ये। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है सेवर, जो पैसे सेव करता है। ये करता है सेविंग, सेविंग करता है ये। इंटरमीडिएटरीज, जो आपका पैसा आप लेके और आगे इन्वेस्ट करती हैं, और मार्केट, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करती है। एंड द यूजर ऑफ द सेविंग, मतलब कि जो इन्वेस्टर है, ठीक है। हम फिर क्या होता है, हमें एक रिटर्न मिलते हैं और हम उस रिटर्न से कमाई करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम एलोकेट सेविंग एफिशिएंटली इन द इकोनॉमी टू अल्टीमेट यूजर्स, आइदर फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द रियल असेट और फॉर द कंजम्पशन। या तो आप असेट खरीदोगे उस पैसे से, या फिर आप उसको कंज्यूम कर लोगे, जो पैसा रिटर्न में आएगा। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मार्केट में पैसों से रिलेटेड आपको ट्रांजेक्शन देखने होते हैं, रिलेटेड टू सिस्टमेटिक मैनर, एंड प्रोवाइड द प्रिंसिपल मीन्स बाय विच सेविंग आर ट्रांसफर्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर होती है। आज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तुमने LIC में लगा लिए, तुमने म्यूचुअल फंड में, SIPs में लगा लिए, तो आप क्या कर रहे हो? आपने फाइनेंशियल ये सब रेगुलेट कौन करेगा? फाइनेंशियल सिस्टम, कि मेरे पास जो सेविंग है उसको कहीं पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। थस द फाइनेंशियल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड क्लोजली इंटरलिंक्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस और जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन सबसे रिलेटेड होता है, जो ट्रांसफर ऑफ द फंड करवाने का काम करती है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि, और सिमिलरली द फाइनेंशियल मार्केट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ द फंड फ्रॉम द सेवर्स टू द इंटरमीडिएटरीज एंड फ्रॉम द इंटरमीडिएटरीज टू इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट की भी बहुत ज़रूरत होती है। मार्केट अगर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? शेयर मार्केट है, ठीक है, तो क्या शेयर मार्केट क्या एक्ट कर रहा है कि मेरे पैसे शेयर मार्केट में लगा रही हूँ मैं, और शेयर मार्केट आगे इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े डीलर्स को अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, बड़े बड़ी जगहों पर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टर वो खुद है, मैं अपना पैसा पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, और सामने वाला और आगे जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो सब लोग कमाई करने का सोचते हैं। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, सबसे पहले है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन में क्या है, देखिए, अब ये फाइनेंशियल सिस्टम का बात यही है कि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है उससे उनकी और एक्स्ट्रा कमाई करवाना। तो जो भी सेविंग है, जो भी आपकी सेविंग्स है, उनको क्या करते हैं, एक चैनलाइज करते हैं, मतलब कि ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ से आपको रिटर्न्स मिले। सेकंड है लिक्विडिटी फंक्शन। अब लिक्विडिटी फंक्शन में क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स द मनी एंड द मॉनेटरी असेट्स। ये क्या करता है, आपको मनी और मॉनेटरी असेट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। आप पैसा लगाएंगे, सामने आपने लगाया स्टील इंडस्ट्री में पैसा, आपने लगाया कॉटन इंडस्ट्री में पैसा, या आपने शेयर में पैसा लगाया, तो वो सारा पैसा आगे कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोलने में, बड़े बड़े आउटलेट खोलने में, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। तो आपका यहाँ पर लिक्विडिटी फंक्शन है, हो गया पेमेंट। अब पेमेंट फंक्शन क्या है यहाँ पे, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफर्स अ वेरी कन्वीनियंट मोड ऑफ द पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, और आप अपना कॉस्ट और टाइम भी बचा सकते हो। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, ये सब काम करता है। रिस्क फंक्शन, अब रिस्क फंक्शन भी परफॉर्म करता है कौन? फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं लाइफ, हेल्थ और इनकम को सिक्योर करने की। जैसे कि आप इंश्योरेंस करवा लिया, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया, आपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लिया, तो आपको रिस्क से बचाने का काम भी कौन करता है? इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट करते हो डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज में, और आप रिस्क फ्री होना चाहते हो। इंफॉर्मेशन फंक्शन देखते हैं, जो भी प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो देने का काम करता है इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट। द वैल्यू, दिस इज़ अ वैल्यूएबल हेल्प टू दोज हु नीड्स टू टेक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर है फाइनेंशियल मार्केट डिसेमिनेट द इन्फॉर्मेशन फॉर एनेबलिंग
पार्टिसिपेंट्स टू डेवलप इन्फॉर्म्ड ओपिनियन एंड अबाउट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट, आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको डालना चाहिए, इन सब की नॉलेज देना, इन सब की गाइडेंस देना का काम भी कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट्स। ट्रांसफर फंक्शन का काम करता है कि आप अगर कोई ज्योग्राफिक बाउंड्रीज में जा रहे हो, जैसे आप फॉरेन जाना चाहते हो, आपको 1 करोड़ रुपए कैरी करना, तो आप कैरी नहीं करोगे, आप बैंक में बैंक से एक पर्ची बनाओगे और वहाँ जाकर उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग, ट्रैवलर्स चेक भी होता है और 2-3 चीज़ें बनती हैं अलग अलग आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग, और फिर आप वहाँ जाकर उस चीज़ को रिडीम करा सकते हैं। तो आपको रिस्क नहीं कैरी करना पड़ता उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। रिफॉर्मेटरी फंक्शन, अब रिफॉर्मेटरी फंक्शन में क्या है कि जितने भी अपने अंडरटेकिंग द फंक्शन ऑफ जितने भी अपने डेवलपमेंट के फंक्शन हैं, इनोवेशन के फंक्शन हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन और ऐसे काम होते हैं, वहाँ पे भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन लोगों को फाइनेंस करने का काम, अगर पुल ओवर बनवाना है या फिर कुछ ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, तो वहाँ उन लोगों को फंडिंग करने का काम भी फाइनेंशियल मार्केट करते हैं, लोगों से छोटे छोटे इन्वेस्टर से सेविंग इकट्ठा करके उनको फंडिंग करने का काम करती हैं। अदर फंक्शंस और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो टाइमली सेविंग एंड डिमांड के ऊपर बेस्ड, जो टाइम टू टाइम करना पड़ता है फाइनेंशियल मार्केट को। अब रोल और अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब करना फाइनेंशियल सिस्टम में, क्यों इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंस होता है फाइनेंशियल सिस्टम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? ऑब्वियसली इतने सारे काम कर रहा है तो फाइनेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा ना। देखे अपन ने अभी कितने सारे काम कर रहा है वो, तो सबसे पहला ये है कि सेवर्स और इन्वेस्टर्स का के बीच में लिंक बैठाना, कि मैं अपनी सेविंग करना चाहती हूँ, सामने वाला बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं उसको अपनी सेविंग सामने वाले को दूंगी और सामने वाला बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देगा अपना, ठीक है? तो ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसके बीच में, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को जो बोलते हैं कि मैं सामने वाले को दे रही हूँ, सामने वाला आगे जाके इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब दिस हेल्प्स द मॉनिटर अब कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को, जो हमारी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस चल रही है, जो हमारे अलग अलग कंपनीज की परफॉर्मेंस चल रही है, उनको मॉनिटर करने का काम करता है। अनसर्टेनिटी जो भी होती है और जो भी रिस्क होती है उसको झेलने के लिए पहले से प्रिपेयर होता है। ट्रांसफ़र ऑफ द रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने अभी बोला, अगर आपको फॉरेन में पैसे ले जाना है तो उसका काम करता है। पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ का काम करता है फाइनेंशियल मार्केट्स। पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ मतलब कि जहाँ छोटे छोटे सेविंग्स का पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। फिर देखते हैं लोअरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लोअर करता है, क्योंकि आपको हर ईजी टू ईजी अप्रोच में आपका काम कैसे हो जाए वो सब बताने का काम करता है। कैपिटल फॉर्मेशन का, जैसे कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, अभी बताया कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग, और फाइनेंशियल डीपनिंग मीन्स इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल असेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, एंड ब्रॉडनिंग मीन्स बिल्डिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर एंड वैरायटी ऑफ द पार्टिसिपेंट। ब्रॉडन मतलब कि ज़्यादा लोग बढ़ाना, और डीपनिंग का मतलब कि हो गया यहाँ पे असेट बढ़ना, और यहाँ पे ज़्यादा लोग बढ़ना, ठीक है? आगे चलते हैं, वीकनेस क्या है? अब हमने देखे फायदे क्या हैं, बहुत सारे फायदे फाइनेंशियल सिस्टम के। अब वीकनेस क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सेम एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग द अथॉरिटी। अब बहुत सारे कंट्रोल लगा दिए गवर्नमेंट ने, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो लोग क्या करते हैं, पैसा डालने से डरते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। डोमिनेंस ऑफ द डेवलपमेंट बैंक्स एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस, डोमिनेटिंग बैंक्स हैं जो, इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं जो डोमिनेट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अलावा भी नॉन बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, NBFCs जो डोमिनेंट हैं, मतलब जो सुपीरियर हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो दे गेट मोस्ट ऑफ द फंडिंग्स फ्रॉम द स्पॉन्सर। तो वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं इन्वेस्ट करते हैं, और फिर गवर्नमेंट के पास पैसा आता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग पैसा रिटर्न देते ही नहीं है। इनएक्टिव एंड एरेटिक कैपिटल मार्केट, अब इनएक्टिव कैपिटल मार्केट, कभी कभी क्या होता है कि कैपिटल मार्केट इतना एक्टिव है ही नहीं, सो दे नीड टू गो टू द, तो कैपिटल मार्केट में जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं है। मोर ओवर दे डू नॉट रिजॉर्ट टू द कैपिटल मार्केट बिकॉज इट इज़ द इरेटिक एंड इनएक्टिव इन्वेस्टर टू प्रिफर द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल असेट्स। अब अपना कैपिटल मार्केट इतना एक्टिव है ही कहाँ, हम क्या करते हैं, असेट खरीद लेते हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर दिया हमने, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया हमने, कि कोई ऐसे ऐसी चीज़ लिया है जो बाद में आ जाके रिटर्न करे, तो हम क्या करते हैं, असेट्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रादर देन कैपिटल मार्केट के अंदर।
अनहेल्दी फाइनेंस फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। अनहेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस में क्या दे रखा है कि डोमिनेंस ऑफ द डेवलपमेंट बैंक, जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो क्या है, डोमिनेटेड है, और वो क्या करते हैं, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट करने का काम करते हैं कस्टमर के बीच में। तो ये जो डेवलपमेंट बैंक बने हुए हैं छोटे छोटे अलग अलग, वो क्या करते हैं, टर्म लोन दे देंगे, छोटे छोटे लोन दे देंगे, हायर रेट ऑफ रिटर्न दे देंगे अपने सेविंग्स पर। तो सारा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर पैसा जाके इन्वेस्ट करते हैं और वो लोग अपना पैसा अलग ही तरीके से फाइनेंस सॉरी अलग ही तरह से वो लोग अपना पैसा आगे कैरी करते हैं। तो कमाई क्या है, गवर्नमेंट के पास आ ही नहीं पाती है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस चल रही है। तो जो प्रीडोमिनेंस ऑफ डेट कैपिटल हैज़ मेड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बोरिंग एंटरप्राइजेस अनइवन एंड लूप साइडेड। मेन तो यही चीज़ है कि जो डेब्ट मार्केट है वहाँ का, वहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अनइवन है, क्योंकि डेवलपमेंट बैंक्स बीच बीच में आ जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर्स, अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी हमको देखने को मिल जाता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर सो लार्ज दैट दे हैव क्रिएटेड अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर्स इन द फाइनेंशियल। बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ कुछ मार्केट तो इतने बड़े हैं जो अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने का काम करते हैं, जैसे कि एलआईसी के हाथ में कितने लोगों का पैसा है, कितने सारे लोगों का पैसा है, तो वो अपना अलग ही चला रही है। तो एक साथ एक जगह लोग देखा देखी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो जाता है और फिर पैसा इधर उधर चल जाता है। और अदर फैक्टर्स देखते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव द लेवल ऑफ NPA का, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का लेवल बहुत ज़्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ज़्यादा काम नहीं आते हैं। गवर्नमेंट ब्लंडर बर्डन विद द हाई लेवल ऑफ डोमेस्टिक डेब्ट गवर्नमेंट के माथे में बहुत ज़्यादा है, और स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं देना चाहूँगी पर दो तीन अभी रिसेंटली कंपनियाँ डूब गई और लाखों लोगों का पैसा डूब गया। तो स्कैम बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर होने के, क्योंकि ये इतना सेफ नहीं है। यहाँ पर आप रिटर्न ज़्यादा मिलता तो क्या हुआ। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिड्यूस इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है, पैसे कहाँ यूज़ करने हैं, पैसे को कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्मार्टली, लोगों को पता ही नहीं होता। मेन प्रॉब्लम तो यही है कि इलिटरेट होते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर बहुत सारे लोग। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम ये क्वेश्चन यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।